हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है। कितना? अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था डीडी आइजनहावर। कौन था? डीडी आइजनहावर भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल बोल रहा है, बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो बिहू असम राज्य का प्रमुख पर्व है। किस राज्य का? तो असम राज्य का। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड या कभी कभी 8 मिनट 19 सेकंड भी लगता है। ठीक है, मतलब सेकंड में कोई फ़र्क नहीं है, सेकंड बदलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। इंडोनेशिया राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया राजधानी है जाकर्ता। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, सबसे बड़ा चर्च कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा चर्च है गोवा में। ठीक है, कहाँ है सबसे बड़ा चर्च? गोवा में। गोवा की राजधानी? तो गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। ठीक है, कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है ना, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, कौन सा युग? कांस्य युग। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किए थे। किसने किए थे? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल है, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं। किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? त्रेता युग। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थलों को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थलों को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिनकोना के पेड़ से कौन सी औषधि बनाई जाती है? तो सिनकोना के पेड़ से कुनैन औषधि बनाई जाती है। कौन सी औषधि? कुनैन। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी को। कब हुई थी? 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है ना, नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुई थी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुई थी। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल देखिए।
नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पहला में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है, और मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी को हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, तालिकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तालिकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी को लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1565 ईस्वी को तालिकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है कि घाघरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।